और बेहयाओं को जब अल्लाह पकड़ता है अगली पिछली बराबर कर देता है। मेरे भाइयों, आज का सारा मुआशरा वो बेहयाई की तरफ सरक रहा है। अगर हमने तौबा न की और इसी तरह हमारे घरों में केबल चलते रहे और ये नंगे नाच चलते रहे तो इंतजार करो कौम लूत की कड़क का और उनके पत्थरों का और उनके अजाब की बारिश का। अगर तौबा न की तो कोई दुनिया की ताकत नहीं जो हमें अल्लाह पाक के अजाब से बचा सके। अगर ये मौसीकी की ताने इसी तरह बिखरती रहीं औरतें इसी तरह उड़िया होकर बाजारों की जीनत बनती रहीं और ये नौजवान इसी तरह नाचते थरकते रहे और गाने पे सर धुनते रहे और सूद की इमारतें बुलंदोबाला बनती गईं और हराम की खमाइयां चलती गईं और मजलूम की हाय हाय बढ़ती गई और जालिम का नशा बढ़ता गया, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब इन पर भी कौमें आग के कोड़े बरस न जाए और कौमें लूट की बिजलियां कड़क न जाए और उनके पत्थर बरस न जाए कि हमारा मामला जल्दी में आता है, हम पहले पकड़े जाते हैं। और ये मेरा अल्लाह सुन रहा है, मैं उसी के दावे पे ये बात कर रहा हूँ कि सारी दुनिया के बातिल पर भी अल्लाह का हाथ पड़ चुका है। ये मुआशरा बेहयाई के हुदूद पर आ चुका है। ये मुआशरे से सूअर शर्माता है। दुनिया का बेहया तरीन जानवर भी आज उन इंसानों से शर्मा रहा है, शैतान भी उनसे शर्मा रहा है। वो बेहयाई की हुदूद से आगे जा चुके हैं, वो इंसानियत की चादर उतार चुके हैं। वो इंसान नहीं है, वो जानवर भी नहीं है, वो जानवरों से भी बदतर हैं। ये जमीन पर बोझ हैं। एटमी ताकत होना अल्लाह को ललकार नहीं सकता, एटमी ताकत होना अल्लाह को डरा नहीं सकता। कायनात के इंसानों का खून कर देना उन्हें अल्लाह के दरबार में कोई कवि नहीं बना सकता। अन करीब अल्लाह का हाथ पड़ने वाला है, वो पकड़ के दिखाएगा। وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ। अल्लाह ताला बेहयाओं को मोहलत नहीं देता, अल्लाह ताला बेगैरतों को मोहलत नहीं देता। अल्लाह ताला इनकी रस्सी खींचेगा, इनकी जमीनें टूटेंगी, इनकी इमारतें फलक बोस वो सजदे में गिरेंगी और ये निजाम अल्लाह मलिया मेट करेगा। और इसलिए आप मेरे घर में छिलका फेंको, फिर छिलका फेंको, फिर छिलका फेंको, फिर पत्थर फेंको, फिर एक दिन उठा के गंदगी फेंक दो तो मैं भी आस्तीने चढ़ा लूंगा। क्या समझ रखा है, मेरी शराफत से नाजायज फायदा उठाते हो, मैं कब तक तेरा बर्दाश्त करूं? तो मेरे घर को गंदा करता है। ये धरती अल्लाह की है, ये जमीन अल्लाह ने बनाई थी, अल्लाह ने बिछाई थी, ये आज भी अल्लाह की है, ये कल भी अल्लाह की रहेगी। ये फिजाएं अल्लाह की हैं, आसमान अल्लाह का है, चांद सूरज अल्लाह के हैं। यहाँ अल्लाह ताला बदमाशी को कुछ तो मोहलत देता है। आपने जमीन को जिना से गंदा किया, वो देखता रहा। सूद से गंदा किया, वो देखता रहा। मजलूमों को खून बहाए, वो देखता रहा। घरों को आग लगाई, वो देखता रहा। नाचना शुरू कर दिया, वो देखता रहा। घर घर में गाने बजाने और गाने बजाने के आलात आम हो गए, वो देखता रहा। रंडियां गाने वालियां मुअज्जज हो गईं, वो देखता रहा। फासिक फाजर जानी शराबी वो आपके हीरो बन गए, वो देखता रहा। जालिम हुक्मरान बन गए, वो देखता रहा। आखिर ही तो उसको भी जोश आना है कि तुम होते कौन हो मेरी जमीन को गंदा करने वाले, तुम होते कौन हो मेरी जमीन को काला करने वाले, तुम होते कौन हो मेरी फिजाओं को रंडियों के गानों से भरने वाले। मैं खुद आ रहा हूँ, जल्दी न मचाओ, मैं आ रहा हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते तौबा करो, हालात बड़े संगीन हैं। आज तौबा के सिवा कोई जाय पना नहीं है। जमीन और तंग होती चली जाएगी, फिजाएं और खिलाफ हो जाएंगी, जमीन भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। हमारे पास कोई आमाल नहीं जिसके अल्लाह की मदद को उतार लें, उसकी रहमत को उतार लें। हम उन कौमों के पीछे जा रहे हैं जिन पर अल्लाह का अजाब वाजिब हो चुका है, साबित हो चुका है। हमारी आंखें ने ना देखा तो उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह की पकड़ नहीं आएगी। हम कब्रों में चले गए तो उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह पाक निजाम न बदलेगा। अल्लाह ने जमीन को हर दफा धोया है जब गुनाहों से भरते भरते इस हद तक चली गई कि अल्लाह पाक की तरफ से हुज्जत तमाम हुई तो एक झाड़ू से जमीन को साफ कर दिया और अपने नेक बंदों की फसल से फिर जमीन को बहारों से आबाद कर दिया। बाद सबा बाद नसीम घुलने को है, कलियां खिलने को है, फूल महकने को है, सुबह सादिक करीब है। हमारे मुकद्दर में देखना है या नहीं है ये एक अलग मसला है, लेकिन अगर ये धरती या आसमान अल्लाह का है तो अल्लाह ताला बेहया को कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा, कभी मोहलत न देगा। उसे अपनी धरती को पाक रखना है और पाक करके दिखाएगा।
ये आपके हाथ में है। जितनी जल्दी दावत देना शुरू करोगे उतनी जल्दी बादल की पकड़ आ जाएगी। एटमी ताकत बन के तो देख लिया, एटमी ताकत बन के तो देख लिया, अब अल्लाह के सफीर बन के दिखा दो, अल्लाह के नुमाइंदे बन के दिखा दो, अपने नबी के नाइब बन के दिखा दो। इस कुरान को हाथ में लो और अपने सीने से सजाओ, अपनी आंखों को हया का सुरमा दो, अपनी आंखों में हया का सुरमा लाओ, अपने माथों को झूमर लगाओ सजदों की मेहराब का। 95% नमाज छोड़ गए, कहां से मदद आए? 100% हराम खाने वाले बन गए, कहां से मदद आए? मस्जिदें बर्बाद हो गई, कहां से मदद आए? मजलूम की हाय हाय अर्श को हिला रही है, मदद कहां से आए? हाँ, तुम्हारे माथे का झूमर तुम्हारे नमाजों के सजदों की मेहराबे हैं। अपने कानों को आशना करो कुरान की मौसीकी से, तुम्हारी मौसीकी कुरान है, फाहिशा औरतों के गाने नहीं हैं। तुम्हारे कदम मस्जिद को उठते हैं, रक्षगाहों को नहीं उठते। इस वजूद को पाक करो, अल्लाह के नुमाइंदे बनो। इसके लिए बिस्तर उठो, हम कोई तबलीगी जमात के लिए बिस्तर उठवा रहे हैं, हम कोई अपनी जात के लिए बिस्तर उठवा रहे हैं? मैं जो गला फाड़ रहा हूँ इसलिए कि मुझे आपको बड़ा खतीब बना दें, तो आप अगर वाह वाह करेंगे तो इससे मुझे क्या नफा है? मैं तो परदेशी हूँ, आज हूँ कल चला जाऊंगा। कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ वरूद सहरा, मैं जुनून का हम सफर हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। मुझे आपकी आह का भी कोई नफा नहीं, आपकी वाह का भी कोई नफा नहीं, आपकी तुफ का भी मुझे कोई नुकसान नहीं, और आपकी वाह वाह का भी मुझे कोई नफा नहीं। मैं तो रो रहा हूँ आपके सामने कि उम्मत की कश्ती गर्दाब में है, और आपको खाने की सूझी हुई है, बच्चे पालने की सूझी हुई है। हाँ, जब मल्लाह ही पतवार छोड़ दे तो कश्ती डूबे ना, तो और क्या हो। जिस उम्मत ने इंसानियत को राह दिखानी थी उन्हें कारोबार मकसद बना लिए, उन्होंने बच्चे पालना मकसद बना लिया, उन्होंने अय्याशी को मकसद बना लिया, कारोबार फैक्ट्रियां लगाना, मिलें लगाना, सियासत खेलना, नाजिम बन रहे, नायब नाजिम बन रहे, मेंबर बन रहे, इस पे ईमान के सौदे कर रहे, करने वाला काम छोड़ दिया। मेरे भाइयों, अपनी हैसियत पहचानो, आप अल्लाह के रसूल के नुमाइंदे हैं, इसलिए हम आपको घरों से निकलने की दावत दे रहे हैं, इसलिए भी सर उठाने की दावत दे रहे हैं। तबलीगी जमात का आदत बढ़ के क्या हो जाएगा? कोई हमें नफा हो जाएगा? नहीं। हमने अपना सबक याद करना है, सारे आलम की इंसानियत, सारी इंसानियत की रहबरी आपके हाथ में है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरियत लिन्नास تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله। अल्लाह हमें कह रहा तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, मैंने तुम्हें घरों से निकाल दिया है। उखरियत, उखरियत अल्लाह खरजत कहता, अल्लाह बरजत कहला, अल्लाह जहरत कहता, अल्लाह तलअत कहता, अल्लाह क्या कह रहा है? उखरियत, उखरियत, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें पकड़ के निकाल दिया गया है। क्यों निकाला है? लिन्नास, लोगों के लिए। क्या? कपास लगाओ लोगों के लिए, साबुन बनाओ लोगों के लिए, घी बनाओ लोगों के लिए, ये तो काम होते ही रहेंगे, ये तो जरूरत की चीजें करो, इससे हमारा रब नहीं रोकता। तुम्हें इसलिए निकाला है, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाओ, उन्हें बुराइयों से रोको, ये काम तुम्हारा है। हाज़ा बलाग़ुल लिन्नास, हाज़ा बलाग़ुल लिन्नास, हाज़ा बलाग़ुल लिन्नास, जाओ खलकत में फैल जाओ। ये घर बनाने का वक्त नहीं है, दुनिया तो टूटने पे आ चुकी है। ये बड़े बड़े महल, ये बड़े बड़े कोठियां सजाने का वक्त नहीं रहा। अब अपनी जरूरत के काम करो, जरूरत के घर बनाओ। इंसानियत को झंझोड़ो, अगर सारी उम्मत को है, सारी उम्मत को बातिल के नरगे से निकालना है, तो अल्लाह के सफीर बन जाओ। सफीर के पीछे अल्लाह का हाथ होता है।